छतरपुर साहिब के वार्ड नंबर 28, 21 और 14 में बीते दिनों तेज आंधी के दौरान बिजली के तार टूटने के साथ ही कुछ खंभे गिर गए थे, जिस कारण से उक्त वार्डों की बिजली गुल थी। बार बार सुधार का आग्रह किए जाने के बाद भी जब विद्युत विभाग ने वार्ड वासियों की बात नहीं सुनी तो नाराज लोगों ने विद्युत कार्यालय के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। वार्ड वासियों का कहना था कि उनके वार्ड में आंधी के कारण धराशायी हुए वृक्षों की चपेट में आकर कई स्थानों पर तार टूट गए, वहीं कुछ खंभे भी गिर गए, जिस कारण से बिजली सप्लाई बंद है। विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से कई बार सुधार का आग्रह किया लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सड़क पर जाम लगने के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में यातायात प्रभारी माधवी अग्निहोत्री, सिविल लाइन थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देते हुए आवागमन सामान्य कराया। वार्ड नंबर 21 से परेशानी ये है, केवल 5 मिनट का काम है और ये लोग फोन नहीं उठाते। यहाँ से केवल एक न्यूट्रल का तार निकला हुआ है, ये लोग फोन नहीं उठाते ना बात करते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट किया, 2 दिन हो गए, बच्चे छोटे छोटे से हैं और उन लोग को गर्मी बहुत है और वो कैसे क्या करें। समस्या ये है कि कल रात 11 बजे से फेज टू फेज जुड़ गए हैं, जिससे हमारे घर के LED बल्ब, कूलर, पंखे सब खराब हो गए हैं। इन लोगों से निवेदन है कि ये लोग जाके वो लाइट सही कर दें, बस इतनी समस्या है, ये भर दूर कर दें।